बजरंग जी, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही मनु जी। हाँ जी, बजरंग जी, सरकार ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन मंडी को लेकर सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। प्लान भी तैयार कर लिया गया है सरकार की तरफ से। मनु जी, जब भी फसल का सीजन आता है, सरकार नए नए फरमान लेकर आ जाती है और कहती है हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये तो 8 साल से पीछे हटते आ रहे हैं। 8 साल से बैक में से इन्होंने बैक मारी है। 2016 के अंदर यही ट्रेडिंग का ये कानून लेकर आए थे और 6 साल तक अपनी मर्जी से बैक मारते आ रहे। मैं यही पूछना चाहता हूं, ई ट्रेडिंग लागू होने से किसान को क्या फायदा है? किसी प्रदेश का एक किसान ने ई ट्रेडिंग खरीद की बात की है क्या कि हमारी फसल ई ट्रेडिंग के माध्यम से बिकनी चाहिए? किसान की फसल खुली बोली में बिकेगी तो किसान को पूरे भाव मिलेंगे, उचित भाव मिलेंगे। मैं एक मेरे साथी पूछना चाहता हूं, किसान की फसल महाराष्ट्र के किसान किसी बड़ी कंपनी ने या गुजरात की बड़ी कंपनी ने या बंगाल की किसी कंपनी ने हरियाणा से फसल खरीद ली ऑनलाइन, कैसे तो यहां से उसका उठान होगा, कैसे उसका भुगतान होगा? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय किसान और आढ़ती के लिए है। आप चिंता कर रहे हैं ना बजरंग जी? बजरंग जी, आप किसानों की चिंता कर रहे हैं। आप किसानों की कितनी सारी फसल बर्बाद हो रही है। एक तो बारिश हो रही है, वो लोग लेकर पहुंच रहे हैं मंडी में, खरीद नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ आप इस तरह से चिंता भी कर रहे हैं किसानों की। मनु जी, जहाँ किसान की फसल खराब होने की चिंता हमें सबसे ज्यादा, हम किसान के साथ है। किसान की बारिश के अंदर फसल खराब ना हो उसके लिए मंडियों के अंदर आड़ती द्वारा तिरपाल की व्यवस्था, लकड़ी क्रेट की व्यवस्था, जगह की व्यवस्था कराई जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, किसान और व्यापारी का तोली दामन का साथ है, एक है एक होके रहेंगे। सरकार की मंशा क्या है? सरकार की सुहासनी तू से मंशा यही है, किसी प्रकार आड़ती का, व्यापारी का और मान लो किसान का टकराव हो जाए और ये राजनीति लाभ उठा ले। जब 3 कृषि कानून लेकर आए, उठक किसान के अंदर 4 बार हरियाणा के मंडियों में पूरी तरह से हड़ताल रखी गई, पूरा खुला समर्थन वो 3 कृषि कानून में किसान का रहा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ई ट्रेडिंग से किसान को क्या फायदा है? एक फायदा बता दे। दूसरा, धान की मार्केट फीस 1% थी, सरकार ने हाल ही में 4% कर दी। 3% जो मार्केट फीस बढ़ाई है वो सरकार का किस पे नुकसान पड़ेगा? सीधा किसान पे नुकसान पड़ेगा। जहां आड़ती का पेट का सवाल है, आड़ती को 2.5% आड़सन मिलती थी और अनेकों साल मिलती थी, जबकि महंगाई पहले से 2 गुना 3 गुना 4 गुना महंगाई हो चुकी, पर आड़ती की आड़त तो नहीं बढ़ी, मगर उसके बावजूद भी 2.5% आड़त थी। उसमें भी सरकार ने गेहूं खरीद के अंदर 3.37 रुपए काउंटर के काट लिए, 49.37 रुपए बनते थे 46 रुपए दिए है, इसी बार धान के काट लिए। कौन सी मांग हमने नहीं रखी है? हम तो के 2.5% अनेकों सालों दाम भी थी, वो 2.5% कर दो भाई। कब तक चलेगी हड़ताल? कब तक चलेगी हड़ताल? कब तक चलेगी हड़ताल? 1% कर दो। जहाँ की जो ऑनलाइन परचेजिंग का मामला है, ई ट्रेडिंग का, वो ये बता दे सरकार का, समझा दे। मैं आपके सवाल लेकर जाऊंगी, लेकिन आप बताइए ना, कब तक चलेगी हड़ताल? मगर जो कृषि मंत्री अभियान आया है वो भाई तरह खराब करने वाला अभियान, किसी भी इससे बड़े पद पे बैठे हुए मंत्री को इस तरह बयान नहीं देना चाहिए जिससे भाईचारा खराब हो, प्रदेश का माहौल खराब हो, मगर किसान का सरकार के साथ टकराव हो, आर्थिक किसान का सरकार के साथ टकराव हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है बजरंग जी, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, कब तक चलेगी हड़ताल? कब तक आप इसी तरह से सड़कों पर रहने वाले हैं? चीज का हड़ताल है, आज 5वें दिन से हड़ताल पूरे हरियाणा की मंडी में। आप देखिए आड़ती हर प्रकार का, हर राजनीतिक पार्टी जुड़ा, आऊंगी प्रवीण जी, पहले सबकी प्रतिक्रिया ले लूंगी, जुड़ा कोई मिलों से जुड़ा है,
कोई कांग्रेस है, कोई बताया नहीं आपने कब तक चलेगी, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए फिर बाकी मेहमानों के पास जाते। पूरी हरियाणा की मंडियों में पूरी हड़ताल है, 100% हड़ताल। कब तक चलेगी? मैं समय पूछ रही हूँ, और कितने दिन सड़कों पर रहेंगे? इसके अंदर हड़ताल ना हो, भाई यहाँ भाईचारे की लड़ाई है, कोई राजनीतिक थोड़ी है, व्यापारी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, आप ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जवाब देते हैं। ठीक है,